तुम तो ऐसे ना थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर। उधर देखो, वो रोमिया उधर बैठ के लाइन मार रहा है और तुम लोग मेरे से जॉगिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? कौन मैं? नहीं वो मैं नहीं यार, बाजू वाली। अच्छा अच्छा, पूजा। ओ पूजा, देख कैसे इशारा कर रहा है। ये मजनू तो दीवाना भी हो गया। मैं पूछता हूँ, कौन सा पाप कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेलकर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीबी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीबी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब गा रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय। हेलो, ये टेप रिकॉर्डर आप मुझे दे देंगे प्लीज? क्या? अरे एक एक रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपया मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूँ? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, फॉर्म भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है, मैं इसे अपने हस्बैंड को प्रेजेंट में दे रही हूँ। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को वो बड़ा वाला दे दे तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है, वो तो कम से कम 10,000 का होगा, तो 10,000 रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। देखिए, इस तरह का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता, हम भी इज्जतदार लोग हैं। हाँ आई एम सॉरी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। प्लीज, थैंक यू सो मच, आपका एहसान रहेगा मुझ पे। अजीब पागल लड़की है, 1,500 की चीज के लिए 10,000 लुटा के चली गई। अरे भैया सुनिए, वो बड़ा वाला टेप रिकॉर्डर दिखा दीजिए, बड़ा वाला। आप बांद्रा साइड जा रहे हैं? नहीं तो। लेकिन मुझे तो बांद्रा साइड जाना है, as quickly as possible। देखिए, आज नौकरी पर मेरा पहला दिन है, अगर पहले ही दिन में लेट पहुंची तो बॉस आखिरी दिन बना देगा। तो मैं क्या करूं? आप कुछ मत कीजिए, बस मुझे बांद्रा साइड तक पहुँचा दीजिए। अब घूरना बंद कीजिए, रास्ते में घूर लीजिएगा। अरे देखो सिग्नल ग्रीन हो गया, गाड़ी बढ़ाओ जल्दी। रुको, स्टॉप, इसे खोलो ना। आपने मुझे फ्री लिफ्ट दी तो मैं आपको फ्री एडवाइस देती, इधर उधर देके गाड़ी मत चलाइएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लेट हो रही हो ना, अब जाइए ना। ओके, कैरेक्टर अच्छा है। मैं काजल बोल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आपने क्या पहना है? अच्छा, और क्या हो रहा है? अच्छा, मार्केट में पहली बार ये कार आई है, ठीक है ये भी खरीद लूंगी। मिसेस गोयल, आप भी मिडिल क्लास वालों की तरह बात कर रही हैं। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। क्या नहीं, कुछ सुनने तरह मोबाइल से बात करो ना, लाइन क्लियर नहीं है। एक मिनट, क्या बात है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हमें स्कूल जाना है, तैयार कर दो ना। कार क्यों भेजो? अरे बच्चों और आज के काम आएगा ना, उनके लिए भी तो गाड़ी चाहिए। मम्मी मम्मी बात करो ना। एक मिनट, सॉरी, क्या बात है? स्कूल जाना है, तैयार कर दो ना। विमला इधर आओ, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो, ले जाओ इन्हें। काजल काजल, इतनी भी क्या बिजी हो, बच्चों को तैयार कर दो ना। रोमी रीति, आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, रहने देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़कों के कमरे में ब्लू कलर और लड़कियों के कमरे में पिंक कलर क्यों लगाते हैं? क्यों क्यों बताओ ना। ओके, क्योंकि लड़कों के नाम बिल्लू होते हैं और लड़कियों के पिंकी।
हम आपको किस नाम से बुलाएं? पापा की नई वाइफ बोलेंगे ना।